बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए। ओके बच्चों, आप लोग सभी हिंदी व्याकरण की मानक पुस्तक तज्ञा को निकालिए। पिछले क्लास में मैं अध्याय एक का पढ़ा चुकी हूँ। मैं आज व्याकरण से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। पेज नंबर 5। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। देखिए, रवि सोकर उठ गई है, निकिता कंप्यूटर चला लेता है, रूबी सुबह जॉगिंग करते हैं। देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ उठ गई है जिसमें कलर किया हुआ है, लेता है और करते हैं। सोचिए, यह क्या यह वाक्य सही है? नहीं, ऊपर लिखे सभी वाक्य गलत है। इन्हें इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, कैसा कि रवि सोकर उठ गया है, पर यहाँ लिखा क्या, रवि सोकर उठ गई है। क्या लिखना है? रवि सोकर उठ गया है, क्योंकि रवि पुलिंग है, पुलिंग के साथ उठ गई, गई जो है उठ गई के स्थान पर उठ गया है क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2, निकिता कंप्यूटर चला लेता है। निकिता कंप्यूटर चला लेती है, लेता जो है वो लड़का का इसमें बैठता है, तो निकिता क्या लिंग है? स्त्रीलिंग है, वो पुलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग के साथ लेता है के स्थान पर लेती है का प्रयोग किया जाता है। 3 देखिए, रूबी सुबह जॉगिंग करते हैं। रूबी सुबह जॉगिंग करती है, करते नहीं, करती है, क्योंकि रूबी स्त्रीलिंग तथा एक वचन है जिसके साथ करते हैं के स्थान पर करती है का प्रयोग होता है। कभी अब लोग समझे होंगे, वाक्य बनाने से ही नहीं होगा, उसको सही लिंग भी होना चाहिए और वचन भी ठीक होना चाहिए। भाषा के शुद्धता लाने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। ये नियम व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण की सहायता से हम शब्दों, वाक्य आदि का सही उच्चारण करते हैं तथा शुद्ध लिखते हैं। तो क्या है, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। व्याकरण क्या है, क्यों हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, पढ़ना क्या जरूरत है? नहीं पढ़ूंगी, हम लोग नहीं पढ़ना चाहता, पर इसको पढ़ना इसी के कारण है कि उसमें हम व्याकरण पढ़ने से भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी मिलती है, ठीक है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को अशुद्ध होने से बचाता है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनके अलग अलग व्याकरण हैं। जितनी भी भाषा है, देखिए जितना है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, सबका अपना अपना व्याकरण है। किसी भी भाषा को लिखने सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा भाषा को परिष्कृत किया जाता है, सफा किया जाता है, परिष्कृत, पूरा जो भाषा का जो गठन वो सुंदर होगा। व्याकरण भाषागत वर्ण, उच्चारण, वर्तनी और शब्दों के प्रयोग में एक रूपता लाकर उन्हें मानव स्वरूप प्रदान करता है। उच्चारण, वर्तनी और शब्द के प्रयोग में एक रूपता लाकर उन्हें मानव स्वरूप प्रदान करता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसको बोला जाता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, यह अध्याय जो है, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 1, 2, 3 है,
आप लोग मेरे साथ साथ करिए। देखिए, लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखित रूप में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब दूसरे के विचारों को लिखित रूप में प्राप्त करते हैं, तो वह क्या है? लिखित भाषा। दो, लिपि किसे कहते हैं? लिखने की विधि या अंग ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी मिलता है। अभी देखिए नंबर टू, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ जो जो है पांच तो है, तो मैं यहाँ कड़ी हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है? हिंदी। विश्व की सर्वाधिक कठिन लिपि कौन है? चीनी लिपि सबसे कठिन लिपि है। व्याकरण के कितने अंग है? तीन अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा। अभी देखिए नंबर थ्री, निम्नलिखित वाक्यों के सही के आगे राइट और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इसे भी चार ठो दिया है, आप लोग देखिए। देखिए, वन, संकेत की भाषा नहीं कहा जा सकता। संकेत को भाषा नहीं कहा जा सकता, सही बोला इसलिए राइट। भाषा के पांच रूप है, ये गलत लिखा हुआ है इसलिए क्रॉस। मंदिर के घंटे की ध्वनि भाषा है, गलत। गार्ड द्वारा रेल चालक को हरी झंडी दिखाना भाषा का मौखिक रूप है, गलत। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ चार तो दिया हुआ है, देखिए। रेडियो सुनना भाषा का मौखिक रूप है। यातायात सिपाही संकेत में जाने की कहता है, संकेत में जाने को कहता है। सिपाही देखिए संकेत दीजिएगा, देते हैं राइट साइड ऐसा हाथ दिखाता, फिर ऐसा तो स्टॉप करता, तो इसमें संकेत से वो हम लोग को समझाता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि का रूप है। भाषण देना मौखिक भाषा का रूप है। देखिए नंबर फाइव, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान पर सही अथवा गलत लिखिए। ठीक है, यहाँ पांच तो दिया गया है। व्याकरण हमें शुद्ध लिखने और बोलने में मदद करता है, ये सही। भाषा को मौखिक रूप में प्रयोग करना ही लिपि है, गलत। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है, सही। प्रत्येक भाषा के अपने अपने शब्द होते हैं, सही। हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, गलत। तो बच्चों, आप लोग मैं जितना अभी पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आप लोग घर में अच्छा से अध्ययन कीजिए और लिख के कीजिए। ठीक है बच्चों।